हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी अगेन। तो यहाँ पर हम UIIC AO जनरलिस्ट का मॉक टेस्ट 2 अभी सॉल्व करेंगे। इसमें हम इंग्लिश सेक्शन देखेंगे और फ्रेंड्स, इसी का PDF हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद से अपनी पेस में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर फटाफट चलते हैं हम इंग्लिश सेक्शन में इधर, राइट। तो अब यहां देखिए, यहां क्या कह रहा है, डिस्पाइट हर मेटिकुलस प्लानिंग। मेटिकुलस की स्पेलिंग ही गलत है, यहां पे एरर है, मैंने मार्क किया और मैं आगे बढ़ गई। इसको भी स्क्रॉल कर यहां ले आते हैं, राइट। द कंपनीज एक्सपेंशन वॉज अ स्ट्रेटेजिक मूव टू कैपिटलाइज इन इमर्जिंग मार्केट्स एंड डाइवर्सिफाई इट्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स। तो क्या होता है, कैपिटलाइज मतलब कि आप वो काम कर रहे हो या आप देख रहे हो कि कहां से आपको फायदा निकालना है, राइट। सो कहां से आपको बेनिफिट लेना है, एडवांटेज लेना है। सो कैपिटलाइज ऑन इमर्जिंग मार्केट्स, यानी कि इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालना है, राइट। सो ऑन यूज होता है, इन यहाँ पे जो है वो गलत यूसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन यूज होता है, इन यहाँ पे गलत यूसेज है, राइट। तो हम सी को अपना आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ क्या कह रहा है, द फोटोग्राफर्स पोर्टफोलियो डिस्प्लेड अ फ्यूजन ऑफ कैंडिड शॉट्स एंड केयरफुल कंपोज्ड इमेजेस। सो दिस इज रॉन्ग, केयरफुली कंपोज्ड इमेजेस है ना। इमेजेस कैसे बने थे, कैसे कंपोज हुए थे, केयरफुली बने थे, है ना। सो यहाँ पर सी में एरर है। चलिए आगे, तो यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन हैव टू बी बेस्ड ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो एकदम ही गलत है, बेस्ड ऑन बोलते हैं हम, राइट, ऑफ नहीं बोलते हैं। तो सी में यहाँ पे एरर है। आगे चलिए, द चीफ मिनिस्टर मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज स्विफ्ट एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडिंग ऑफिशियल। तो ठीक है, आपको ये बात याद रखना है कि अगर एक्शन हम किसी के खिलाफ ले रहे हैं तो अगेंस्ट ही आता है। अगर बाय चांस यहाँ पे फॉर लिखा होता तो वो गड़बड़ हो जाती, अभी हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रहा है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं हम कि ये पैरा जंबल जो है इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ एक पैरा जंबल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग सेंटेंस देखना है, राइट। कभी भी पैरा जंबल आएगा, ओपनिंग सेंटेंस पे पहले फोकस करेंगे। दिस हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड, व्हाट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड, वी डोंट नो, ए हमारा नहीं हो सकता है। द होलसेल प्राइस इंडेक्स हैज ऑल्सो शॉर्ट अप, ऑल्सो लिखा है ना, तो मतलब और क्या शॉर्ट अप हुआ है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। ये देखिए, द लेटेस्ट न्यूज इज दैट रिटेल इन्फ्लेशन रोज टू इतना परसेंट इन डिसम्बर सो एंड सो, विच इज द हाइएस्ट रेट ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन सिंस जुलाई सो एंड सो। द रिटेल, तो ये हमें लग रहा है हो सकता है फर्स्ट हो। द रिटेल प्राइसेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हैव स्टेडिली इंक्रीज ऑल थ्रू इतना ईयर, रुपीज इतना लीटर ऑफ डीजल एंड इतना लीटर ऑफ पेट्रोल, ये भी लग रहा है हो सकता है। वाइल द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैज रिजन बाय दिस रेट, द राइज इन इन्फ्लेशन इज मच हायर सो एंड सो, ठीक है। दिस रेट मतलब कौन सा रेट है, वी डोंट नो, ठीक है। तो अब देखिए, अब पर जब हमने सारे सेंटेंसेस पढ़ लिए, हमें एक चीज का आइडिया लगा है, और वो बात है कि जो ये अभी अगर हम बात करें रिटेल इन्फ्लेशन की, ठीक है, यहां हमने बात करी है होलसेल प्राइस इंडेक्स की, यहां हमने बात करी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। तो हमें ये पता ही है, अगर जिसको पता होगा उसके लिए ये सॉल्व करना और इजी हो जाएगा, कि इन्फ्लेशन जो है वो WPI और CPI से मेजर किया जाता है, राइट। तो इसीलिए सी पहले आएगा, यहाँ पे ऑल्सो है, तो मतलब ये आपका ई के बाद आएगा। दिस रेट क्या है, दिस रेट मतलब जो ये इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर साफ साफ हमें पता चल गया, अगर हम सी को पहले डालते हैं तो उसके बाद वाइल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैज रिजन बाय दिस रेट, जो कि सी में मेंशन है, इसीलिए सी के बाद आपका ई आएगा, राइट। और उसके बाद आएगा द होलसेल प्राइस इंडेक्स हैज ऑल्सो शॉट अप टू अ 7 month हाई। तो उन्होंने पहले, जैसे अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको इजी तरह से अगर समझाऊं, तो जैसे अगर हम इसको कंपेयर करें, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हम बोलें कि ओवरऑल किसी एक ब्लॉक का साइज या किसी भी चीज का साइज जो है बड़ा है, सपोज लैंड का साइज बड़ा है,
पहले से, तो हम ऐसे बोलेंगे ये दिस इज लैंड का साइज, लैंड का साइज बड़ा है. हम बोलेंगे कि लैंड का लेंथ भी बड़ा है, लैंड का ब्रेथ भी बड़ा है ना. तो मतलब कि ये आप ओवरऑल बात कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि दोनों तरह से बड़ा है, लाइक जो उसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं वो दोनों एस्पेक्ट्स बड़े हैं. ठीक है, सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया है. नाउ सीई के बाद यहां पर बी आएगा, राइट. अब क्या कह रहे हैं, द रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हैव स्टेडिली इंक्रीज ऑल थ्रू इतना लीटर ऑफ सो एंड सो, दिस हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इन्फ्लेशन एंड इट सीम्स देर विल बी नो रिस्पाइट. तो मतलब अब क्या है, व्हाट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इन्फ्लेशन, द फैक्ट दैट पेट्रोल और डीजल के थ्रू आउट इंक्रीज हुए हैं प्राइजेस, राइट. तो यहाँ पे आएगा डी और उसके बाद यहाँ पर आएगा ए. ऑल राइट, तो हमारा ऑर्डर क्या है, सीई बी डी ए. थर्ड सेंटेंस कौन सा है हमारा, बी. फर्स्ट सेंटेंस सी, सीई बी डी. सेकेंड सेंटेंस ई सीई बी, ये था हमारा डी ए, ये हमें पता है लास्ट है, राइट. द आर्टिस्ट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग लेफ्ट मेनी व्यूअर्स स्क्रैचिंग देयर हेड्स एज दे स्ट्रगल्ड टू मेक हेड्स और टेल्स ऑफ इट्स मीनिंग. स्क्रैचिंग देयर हेड्स मतलब कोई बहुत कंफ्यूज हो, है ना. तो यहां पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है. राइज टू द ओकेजन, एक बार पढ़ लेते हैं. राइज टू द ओकेजन का मतलब होता है कि कोई चार्ज ले रहा है ना. द सडन सर्ज इन डिमांड कॉट द कंपनी ऑफ गार्ड, बट दे मैनेज टू राइज टू द ओकेजन एंड डिलीवर ऑन टाइम. सो राइज टू द ओकेजन मतलब कि ये कह रहे हैं टू गेट रेडी फॉर अ चैलेंज, तो ये आपका आंसर हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है द टीम्स मेटिकुलस प्लानिंग एंड अटेंशन टू डिटेल हेल्प देम विद द कॉन्ट्रैक्ट प्रूविंग दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. तो ये तो बहुत ईजी है, तो मतलब एवरी सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ फेदर इन हिज कैप का बोलते हैं, जब कोई कहता है कि भाई मैंने अच्छा कर दिया, ये मेरे लिए एक और स्टार है, एक और फेदर इन द कैप है ना. तो ये क्या है, दिस इज समथिंग, ये कोई स्मॉल अचीवमेंट नहीं होती, नोटेबल अचीवमेंट और अकम्पलिशमेंट दैट ब्रिंग्स प्राइड. ठीक है, सो शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वॉटर, मतलब कि फिश आउट ऑफ वॉटर कैसी होगी, जो कि एकदम अनकंफर्टेबल है ना. सो फीलिंग आउट ऑफ प्लेस और अनकंफर्टेबल. अब यहां पे देखो, द डिटेक्टिव शार्प माइंड एंड डैश इंट्यूशन मेड हर द मोस्ट डैश इन्वेस्टिगेटर ऑन द फोर्स. तो कैसा इंट्यूशन, इंट्यूशन कह रहे हैं कि बहुत ही कीन इंट्यूशन है, और इन्वेस्टिगेटर कैसा, एस्ट्यूट. एस्ट्यूट मतलब कि कभी अगर किसी में ऐसी एबिलिटी हो कि वो बहुत अच्छे से चीजों को जज कर पाए, उसको हम एस्ट्यूट बोलते हैं. ठीक है, तो बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेटर, राइट. सो चलिए अब ये वाला देखते हैं. द नेगोसिएशन रीच अ एंड डैश वेन बोथ द पार्टीज फाइनली केम टू अ और डैश अग्रीमेंट, है ना. तो ये क्या कह रहे हैं कि नेगोसिएशन, अब हमारे पास फर्स्ट वाला है, इसको देखते हैं. देखिए, कभी भी आपके पास अगर ऑप्शंस वैसे हो ना जिनको आप फिट करके देख सकते हैं, उनको हमेशा फिट करके देखिए. जैसे कि फिलर्स में आपको दे रखा है, हर सेंटेंस को ऐसे पढ़ के देखिए ब्लैंक में, एक एक वर्ड डालकर, फिर चेक कीजिए कि सही बैठ रहा है, सही साउंड कर रहा है या नहीं. मैच द कॉलम में ऑप्शंस को ऐसे ही ज्वाइन करके देखिए, जैसे ऑप्शंस में दे रखे हैं उन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करके देखिए, फिर देखिए सही आ रहा है कि नहीं, उस हिसाब से अपना आंसर मार्क करिए. तो यहां बोल रहा है द नेगोसिएशन रीच्ड एन एम्पासे व्हेन बोथ पार्टीज फाइनली केम टू अ यूनानिमस अग्रीमेंट. हाँ, तो जो नेगोसिएशंस थे वो एक डेडलॉक पे पहुंच गए, यानी कि खत्म हो गए काइंड ऑफ. और क्यों, जब आपका जो पार्टीज थी वो एक यूनानिमस, यानी कि जिसमें सब अग्री कर रहे हैं, उस अग्रीमेंट पर आ गए. तो एकदम ही करेक्ट इसका मीनिंग है, राइट. आगे चलते हैं, ये कह रहा है द कंपनीज प्रॉफिट्स हैव बीन स्टेडिली डिक्लाइनिंग ड्यू टू डैश कॉम्पिटिशन, राइट, एंड अ डैश इकोनॉमी. ठीक है, प्रॉफिट्स क्यों डिक्लाइन होंगे, कि जब आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और इकोनॉमी बहुत अच्छा थ्राइव नहीं कर रही है, तो थ्राइविंग नहीं आएगा, फ्लरिशिंग नहीं आएगा, ड्यू टू फ्रेंडली कॉम्पिटिशन यहां नहीं आएगा, वॉलेटाइल सही था, तो फियर्स कॉम्पिटिशन एंड स्टैगनेंट,
इकोनॉमी, ये यहाँ पे करेक्ट यूसेज है, राइट। नेक्स्ट देखिए, द मैराथन रनर्स डैश डिटर्मिनेशन, ठीक है, कैसा डिटर्मिनेशन होगा अभी देखते हैं। एंड रिग्रेस ट्रेनिंग रेजिमेंट एनेबल्ड हर टू डैश हर ओन पर्सनल रिकॉर्ड, सो मतलब उसने अपने खुद के पर्सनल रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, राइट। सो सरपास अनवेवरिंग, एकदम ही सही बैठ रहा है। बाकी देखो कि अब उसने अपने ही रिकॉर्ड्स को कुछ तो कर दिया है, अब अगर उसने अंडरमाइन करा है तो मतलब उसको तो मेंशन करने की बात नहीं है ना, कंटेक्सुअली सेंस नहीं बन रहा है कि उसका इतना ज्यादा बेकार वो था, डिटर्मिनेशन था और रिगरस रेजिमेन था, या उसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी थी, इस वजह से उसके अपने पर्सनल रिकॉर्ड जो है वो अंडरमाइन हो गए, बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है। सो फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर है, राइट। आगे देखिए, द न्यू आर्ट एग्जिबिट वॉज अ डैश ऑफ एवेंगार्ड पीसेस, ईच ऑफ ईच विद इट्स ओन यूनिक डैश। सो अब देखिए, यूनिक कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, वॉज अ कलेक्शन ऑफ अवांटगार्ड पीसेस, ये भी हो सकते हैं, अवांटगार्ड मतलब कि बहुत से रस्टिक पीसेस थे, विद ईच विद इट्स ओन यूनिक पर्सपेक्टिव, एकदम ही करेक्ट यूसेज है ना। सो वो कलेक्शन ऑफ पीसेस था, आप इसको कोई भी आप इसको एक एडजेक्टिव डाल सकते हो, सो वो इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ डैश पीसेस, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका आ गया, ये आपका आरसी है, आरसी को हम हमेशा एंड में करेंगे, उसके अलावा कुछ और है तो पहले वो देखेंगे, है ना, ये देखेंगे। इन टूडेज रैपिडली इवॉल्विंग डैश, सो व्हाट लैंडस्केप, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, आगे देखते हैं, बिजनेसेस नीड टू स्टे अजाइल एंड अडैप्ट टू चेंजिंग डैश, ठीक है। तो मतलब कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है करेक्ट आंसर वर्ड इन्वायरमेंट, कि आपका जो रैपिडली इवॉल्विंग इन्वायरमेंट है उसकी वजह से बिजनेसेस को अजाइल होना है, यानी कि वेरी फ्लेक्सिबल, एंड अडैप्ट टू चेंजिंग ट्रेंड्स, राइट। वाई ट्रेंड्स, बिकॉज जो भी अब आप आगे देखोगे वो डिफरेंट डिफरेंट बताएंगे कि हाँ ये चीजें जो है वो चेंज हो रही है, तो मतलब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, राइट। अब देखो, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस प्रायोरिटाइज इनोवेशन एंड एम्ब्रेस न्यू डैश टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एज। सो क्या करते हैं वो, न्यू लेकर आते हैं यहाँ पर, न्यू इनोवेशंस, कुछ भी न्यू आया है तो आप उसको इनोवेशन कहोगे, टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एज। लीडर्स प्ले अ डैश रोल इन फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, कैसा रोल, क्रूशियल रोल, राइट। स्टैंडर्ड रोल तो नहीं प्ले करेंगे, क्रूशियल रोल इन फॉस्टरिंग ए कल्चर ऑफ इनोवेशन विद इन देयर टीम्स। इट्स एसेंशियल टू एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड एम्पावर एम्प्लॉयज टू डैश देयर आइडियाज, टू व्हाट, टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज। जनरेट तो हम लोग किसी को वो नहीं कर सकते कि एम्पावर कर रहे हैं हम कि आप जनरेट करो, तो खुद हो जाएंगे ना, हम एम्पावर नहीं भी करेंगे तो, है ना। सो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो एक्सप्रेस, देन और आगे आओ, 86 टेक्नोलॉजी इज अ ड्राइविंग डैश बिहाइंड मेनी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सो वी नो ड्राइविंग फोर्स कहते हैं हम, राइट। कंपनीज दैट लेवरेज एडवांस टूल्स एंड एम्ब्रेस डिजिटल डैश आर मोर लाइकली टू थ्राइव। सो क्या करना है, एम्ब्रेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करना है, डिसरप्शन को कोई एम्ब्रेस नहीं करता है, ठीक है। आर मोर लाइकली टू थ्राइव इन द मॉडर्न मार्केट प्लेस, क्यों नहीं करता है कभी भी कोई डिसरप्शन को एम्ब्रेस, बिकॉज डिसरप्शन इज अ नेगेटिव वर्ड और हम एम्ब्रेस करते हैं किसी पॉजिटिव चीज को, ठीक है, जो हम चाहते हैं कि हमारे ना दिल और दिमाग में मतलब वो चीज एकदम ही छा जाए, तो उसको एम्ब्रेस करना कहते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, हाउएवर इनोवेशन इज नॉट लिमिटेड टू टेक्नोलॉजी अलोन, क्रिएटिव थिंकिंग एंड willingness to dash traditional approaches are equally important, है ना। So a willingness to what, traditional approaches, अब आप देखोगे to embrace, क्योंकि हम क्या करते हैं traditional approaches को तो challenge करने की बात नहीं है, maintain करने की भी बात नहीं है, हम उसको embrace करें, उनको accept कर और फिर whole heartedly accept करके उसमें कुछ चाहें तो अपनी thinking डाल रहे हैं, right। नेक्स्ट देखिए, इम्प्लॉयज एज द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इक्विप्ड विद द नेसेसरी डैश टू नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ अ डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट। तो उनको किस चीज से आप इक्विप करोगे, इक्विप करोगे आप किसी बाहरी चीज से, यानी कि स्किल्स से, है ना, पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड, ये सब तो लोगों के अंदर से आता है, राइट। पर अगर आप इक्विप करने की बात कर रहे हो उनको बाहर से इक्विप करने की, तो स्किल्स उनमें डाले जाते हैं, एटिकेट्स के कोई यूज नहीं है। इन कंक्लूजन, अ फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच एंड अ कमिटमेंट टू डैश
आर इसेंशियल फॉर सस्टेन सक्सेस इन टूडेज बिजनेस लैंडस्केप। अब आप देखिए, फिलर्स और क्लोज में यही फर्क होता है कि आपके जो ब्लैंक के वर्ड्स हैं वो इन लाइन विद द पैराग्राफ होने चाहिए, राइट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स बीइंग इन लाइन विद द पैराग्राफ, देन दे आर टॉकिंग अबाउट अडेप्टिंग एंड एम्ब्रेसिंग द चेंजेस, राइट? सो अडेप्टेशन इज द करेक्ट यूसेज, ठीक है? तो अभी चलते हैं हम अपने आरसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो क्या कह रहा है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? इज सेइंग एरिस्टोटल मेक्स अवेलेबल टू अस द आइडिया दैट द अलायंस ऑफ ट्रेडिशन एंड कंजर्वेटिज्म इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन इटसेल्फ, ठीक है? मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एरिस्टोटल ऐसा आइडिया हम तक लेकर आते हैं कि अगर ट्रेडिशन और कंजर्वेटिज्म को हमने मतलब इकट्ठा रखा, तो इनका जोड़ना जो है ट्रेडिशन का पार्ट नहीं है। अगर हम बोले कि ट्रेडिशन मतलब कि कंजर्वेटिज्म की अप्रोच रखना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ट्रेडिशन का एक प्रोग्रेसिव व्यू भी है जो ये आउटलाइन करते हैं, इज नॉट जस्ट कंपैटिबल विद प्रोग्रेस। द इशू इज नॉट अबाउट हाउ टू रिकनसाइल द अपोजिंग फोर्सेस ऑफ टू साइड्स ऑफ डाइकोटमी, बट ट्रेडिशन इज इटसेल्फ अ वे ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस। कह रहे हैं वो ये नहीं है कि हम दो अलग अलग चीजों को मिलाने की बात कर रहे हैं कि कंजर्वेटिज्म और ट्रेडिशन। हम ऐसा कह रहे हैं कि कि प्रोग्रेस और ट्रेडिशन को हम जोड़ के चल रहे हैं, बट एक्चुअली ये ट्रेडिशन जो है वो खुद ही कह रहा है कि मैं प्रोग्रेस को वो मतलब लीड करता है टू प्रोग्रेस, राइट? सो मोर ओवर वॉट एरिस्टोटल हैज टू से अबाउट द कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरिस्टिक्स जॉर्जियास एंड द पासिंग ऑन ऑफ द फुटवेयर सजेस्ट दैट द अलायंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड कंजर्वेटिज्म नॉट ओनली फेल्स टू बी इनएविटेबल बट इट इज इन फैक्ट एन अनईजी पेयरिंग टू बिगिन विथ, है ना? तो मतलब वो कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशन और कंजर्वेटिज्म का जो अलायंस है, जो आप बोल रहे हो कि वो साथ में चलेंगे, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते हो, कि ट्रेडिशन को आप कंजर्वेटिज्म से ही हमेशा लिंक करोगे। समझिए कि क्या बोल रहे हैं, कि इज नॉट ओनली फेल्स टू बी इनएविटेबल, यानी कि वो एविटेबल है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि कंजर्वेटिज्म और ट्रेडिशन साथ साथ ही चलेंगे। जो ट्रेडिशन है वो फॉरवर्ड गोइंग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा हमें नीचे स्टैगनेंट ही छोड़ दे और ग्रोथ की तरफ ना फोकस करे। कुछ ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। विच ब्रिंग्स अस बैक टू द अल्पाइन फेस्टिवल, किसी फेस्टिवल की बात हो रही है, अल्पाइन फेस्टिवल की। स्टोन पुट इज अ ट्रेडिशन दैट कंसिस्ट इन अ स्पोर्ट, राइट? हिस्टोरिकली दिस क्लेम has been passed dash the lens of a conservative understanding of tradition expressed two irreconcilable ideas as a conservative tradition stone put is to be preserved unchanged but as a sport it is about improving both on oneself but also upon others and so beholden to what the athletic progress demands whether that is better equipment so and so। तो वो क्या कह रहे हैं कि देखो जैसे एक गेम है, एक स्पोर्ट है, स्टोन पुट, वो एक ट्रेडिशन से एक ट्रेडिशन है स्टोन पोट। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा इसमें एक स्पोर्ट होता है, मतलब दिस इज अ स्पोर्ट जो कि बहुत पुराना एज अ ट्रेडिशन खेला जाता है। हिस्टोरिकली अगर हम इसकी ट्रेडिशन की बात करें तो वो कह रहे हैं कि स्टोन पोट को बिल्कुल भी मतलब जैसा खेला जाता है वैसा ही उसको खेलो, बट एज अ स्पोर्ट अभी क्या है उसका आइडिया वो ये भी कन्वे करता है कि उसको जैसा भी एथलेटिक प्रोग्रेस के लिए हमें जो जो जरूरतें हैं वो हम करें, जैसे कि बेटर इक्विपमेंट लेकर आए, ट्रेनिंग मेथड्स, अच्छे अच्छे वेन्यूज लेके आए जहां पे इसकी प्रैक्टिस हो सके, राइट? सो द डाइकोटमी बिटवीन कंजर्वेटिव ट्रेडिशन एंड स्पोर्ट इज सो शार्प दैट अ साइजम इमर्ज्ड इन द 1980s। कंजर्वेटिव ट्रेडिशनलिस्ट आर्ग्यूड दैट एटलीस्ट ट्रीटिंग द अल्पाइन गेम्स एज अ स्पोर्ट विच मेंट दैट दे सिस्टमैटिकली ट्रेन्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्पिटिशन violated the spirit of the festival and led them to having an unfair advantage। तो वो कह रहे हैं कि actually जो conservatism कुछ ऐसा group है, मतलब कुछ लोग ऐसा divide हो गए जो कि कह रहे हैं कि ये tradition है, ये जो sport है, कुछ कह रहे हैं कि ये sport है, वो इतना sharp है, मतलब ये जो ideas हैं या इसका distinction इतना इसके beliefs वाले लोग इतने strongly
या तो इसको एज ए ट्रेडिशन मानते हैं या तो एज ए स्पोर्ट मानते हैं। तो मतलब दो एकदम ऐसे डिविजन आ गया है, दो अलग अलग टाइप के लोगों का, 1980s में आ गया था, जिसमें जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि एल्पाइन गेम्स है उसको आप जो कंजर्वेटिव ट्रेडिशनलिस्ट हैं वो करते हैं कि अगर आप एल्पाइन गेम्स को एज अ स्पोर्ट करते हो, तो अगर आप उनको लोगों को ऐसा बोलोगे कि ट्रेनिंग भी करो, वेन्यू पे भी फोकस करो, तो उससे जो स्पिरिट ऑफ फेस्टिवल होता है वो वायलेट होता है। और वो वायलेट कैसे होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह देंगे कुछ लोगों को जो कि मॉडर्न थिंकिंग रखते हैं, तो वो लोगों को अनफेयर एडवांटेज मिलेगा और स्पोर्ट ढंग से एज अ ट्रेडिशन नहीं खेला जाएगा। हाउएवर, फॉलोइंग एरिस्टोटल, वी कैन डिस्पेंस विद दिस ओल्ड डाइकोटमी एंड थिंक ऑफ स्टोन पुट इटसेल्फ एज अ प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन। तो कह रहे हैं कि एरिस्टोटल के आने के बाद हम इसको एज अ ओल्ड ट्रेडिशन को डिस्कार्ड कर ये ओल्ड ट्रेडिशन ही है, इसको हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन है। स्टोन पुट शुड बी थॉट ऑफ एज ट्रेडिशन इन द सेंस दैट इट पासेस इट्स कंटेंट्स फॉरवर्ड फॉर इंप्रूवमेंट एंड अल्टीमेटली परफेक्शन। उसको हम ऐसे मान सकते हैं कि वो ट्रेडिशन है क्योंकि वो अपने जो कंटेंट्स है वो आगे फॉरवर्ड करता है इंप्रूवमेंट के लिए और फाइनली परफेक्शन के लिए। व्हाट इज पास्ड फॉरवर्ड कैन इन प्रिंसिपल इंक्लूड बोथ व्हाट इज सेंट्रल टू द स्पोर्ट, यानी कि रूल्स, टेक्निक्स, इक्विपमेंट, एज वेल एज द इंप्लीमेंट्स विद व्हिच द एथलीट्स कंपीट एंड व्हाट इज इंसिडेंटल टू इट सच एज द नेचर ऑफ द प्राइजेस, द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ड्रेस कोड एक्सेट्रा। तो वो कह रहे हैं देखो अगर हम चाहें तो स्टोन पुट को हम ऐसे पास कर सकते हैं आगे कि उसमें ट्रेडिशन भी कंपोज्ड हो, मतलब ट्रेडिशन भी रहे और जो मॉडर्न चीजें हैं उसका भी टच आए। तो मॉडर्न में तो टच आए इस चीज का कि रूल्स, रिकॉर्ड, इक्विपमेंट, टेक्निक्स, इन सब चीजों के साथ ट्रेनिंग हो रही है, राइट, ये सब सिखाया जा रहा है। और ट्रेडिशन ऐसा कि उसकी जो ड्रेस कोड है, फिर उसका जो नेचर ऑफ प्राइजेस, क्या प्राइजेस पहले से मिलते आ रहे हैं, वो सब प्राइजेस वगैरह सेम रहे, राइट। सो ये सब इस तरह से हम इस स्पोर्ट को आगे लेके जा सकते हैं जो कि मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशन रहेगा, राइट। द रेलिवेंट क्राइटेरियन फॉर वेदर समथिंग कम्स विद इन द रीच ऑफ अ प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन इज ओनली वेदर द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन एम्फसाइजेस द एक्ट ऑफ पासिंग इट फॉरवर्ड फॉर डेवलपमेंट और द प्रेजर्वेशन ऑफ अ स्पेसिफिक कंटेंट इन द अनअडल्टरेटेड फॉर्म। तो वो कह रहा है कि अगर विद इन द रीच ऑफ प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन, कह रहे हैं हम कि अगर हम ऐसा बोलें कि कोई भी चीज, किसी भी चीज को अगर हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन का पार्ट है ना, या इसके लायक भी है जो प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन कर सकता है, तो वो उसको चेक करने का तरीका यही है कि जो उसमें जिस ट्रेडिशन की हम बात कर रहे हैं कि कौन सा ट्रेडिशन आगे पास कर रही है, जैसे कोई भी चीज, कोई स्पोर्ट या कोई भी फेस्टिवल, कोई ट्रेड, उस चीज को हम प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन तब मान सकते हैं जब हमें पता है कि जो जो वो ट्रेडिशन जो आगे पास कर रहा है या जो वो स्पोर्ट आगे चीज पास कर रहा है वो है कि डेवलपमेंट के लिए है और प्रेजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट के लिए हम उसको आगे पास कर रहे हैं, आगे चला रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अगर अगर कॉन्सेप्ट उसको एकदम छोटे में बोले, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी चीज को ऐसा चाहें कि अच्छा ये ट्रेडिशन ऐसा है जो कि हमें प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाए है, तो उसका एक क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जो भी चीज वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है वो एक ऐसी चीज हो जो कि अनअडल्टरेटेड फॉर्म में आगे पास हो रही है, राइट। ऑफ कोर्स वी कैन अल्टरनेटिवली जॉइन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द फेस्टिवल एंड थिंक ऑफ स्टोन पुट इन अ नॉस्टैल्जिक वे विद द कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन दैट एम्फसाइजेस द प्रेजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर कॉन्टेंट्स। दिस लेंड्स इटसेल्फ टू इन्वेंटेड ट्रेडिशन विद इट्स आइडियलाइजेशन, रोमांटिसाइजेशन एंड फिक्शनाइजेशन of the past which is where historically speaking the blue shirts of dairymen for athletes, bell prizes, historic costumes, ladies of honors etc. have their origin। कि हम अगर चाहें, जैसे अभी तो यहाँ पे उन्होंने बात करी कि इसको कैसे आगे पास किया जाए एज अ प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन, पर अगर कोई चाहे तो उसको एज अ कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट भी इसको मान सकते हैं, जैसे कि कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट अगर कोई भी चाहे तो उसको एज अ कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट रख ले अपने दिमाग में। तो वो कैसे होगा कि आप जो है जो उसके पुराने ट्रेडिशन हैं जैसे कि ड्रेसेस को लेकर, बेल प्राइजेस, हिस्टोरिक कॉस्ट्यूम्स और कोई लेडीज ऑफ ऑनर्स होती हैं, अगर ये सब आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी आप मतलब उसमें बिलीव करते हैं तो आप वैसा वाला व्यू भी रख सकते हैं। रीजन फॉर दिस एज वी सॉ विद द पैट्रिशियन फादर्स ऑफ द ओरिजिनल फेस्टिवल इज दैट वॉट मैटर्स टू दोज हु डिफाइन कंजर्वेटिव ट्रेडिशन इज नॉट वेदर दीज ट्रेडिशन आर इन्वेंटेड और जेन्युइन और वेदर सक्सेसिव जनरेशन कैन इन फैक्ट सक्सेसफुली प्रिजर्व वॉट इज ऑस्टेंसिबली ओल्ड एंड अनअडल्टरेटेड बट वेदर दीज ट्रेडिशन अकम्प्लिश फॉर देम वॉट दे इंटेंड देम टू अकम्प्लिश इन द प्रेजेंट।
अब देखिए ये कह रहे हैं कि जो पैट्रिशियन फादर्स थे ओरिजिनल फेस्टिवल के राइट, उनको ऐसा मैटर करता था कि अगर हम वो जो कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस को जो डिफाइन कर रहे हैं वो लोग इस ट्रेडिशन को मतलब क्या वो इतना जानते हैं कि ये जो ट्रेडिशंस हैं ये जेन्युइन है, एक्चुअली जेन्युइन है कि ऐसे ही इन्वेंट कर दिया गया था, है ना, कि मतलब पहले तो कुछ और था फिर बीच में सपोज 100 साल पहले कुछ और कर दिया, राइट। तो क्या ये ऐसा है, मतलब ये जज करना आना चाहिए, राइट। और ऑल्सो ये भी जज करना आना चाहिए कि ये जो ट्रेडिशंस हैं वो अकम्प्लिश क्या कर रहे हैं, क्या वो ही अकम्प्लिश कर रहे हैं जिस रीजन से ये ट्रेडिशंस बने हैं या नहीं, राइट। सो दिस इज वॉट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वॉट इज एरिस्टोटल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग द अलायंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो पैसेज मेंशन कर रहा है कि एरिस्टोटल प्रेजेंट करता है अ व्यू ऑफ ट्रेडिशन दैट इज नॉट जस्ट कंपैटिबल विद प्रोग्रेस बट ट्रेडिशन इटसेल्फ इज कंसिडर्ड अ वे ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है, एरिस्टोटल सजेस्ट दैट ट्रेडिशन इटसेल्फ कैन सर्व एज अ मींस ऑफ प्रोग्रेस, राइट। हाउ इज द हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टोन पुट एज अ ट्रेडिशन कैरेक्टराइज इन द पैसेज, है ना। तो बोला है यहां पर कि यहाँ पे बोला है द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टोन पुट पढ़ लेते हैं, एज अ ट्रेडिशन हैज शिफ्टेड ओवर टाइम बेस्ड ऑन डिफरिंग व्यू पॉइंट्स। ऐसा नहीं है, व्हाइल ट्रेडिशनली व्यूड एज अ स्पॉट स्टोन पुट्स कंजर्वेटिव एलिमेंट्स बिकेम अपरेंट इन 1980s। ऐसा कहीं मेंशन है क्या? हाँ देखो 1980s में ऐसा एक टच आया, राइट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देखो, चूज द सेंटेंस दैट और दैट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग टू रिगार्डिंग एरिस्टोटल, है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है एरिस्टोटल इंट्रोड्यूसेस द नोशन दैट द पार्टनरशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड कंजर्वेटिज्म इज नॉट इनहेरेंट टू द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। ओके, हाँ जी ये बात एकदम ही बोली है। इफेक्टिव ऑन ट्रेडिशन दैट ही डिलिनिएट्स अलाइंस विद द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। हाँ एकदम बात, वो यही कह रहा है कि जो ट्रेडिशन है वो एक्चुअली प्रोग्रेस से मिलता जुलता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरिस्टिक्स एरिस्टॉटल शेयर्स हिज थॉट्स ऑन द लिबरल नोशन ऑफ ट्रेडिशन। तो एक्चुअली यहाँ पे तो अगर हम देखें, यहाँ बोला है कि पैसेज ना ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रहा है कि वो कि वो लिबरल नोशन है, राइट। तो वो बल्कि स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो मेंशन करा है, यहाँ पे कहीं था मेंशन करा है कि लेट मी जस्ट सर्च इट फॉर यू, दिस इज एरिस, है ना। तो हाँ यहाँ पे तो साफ साफ यहाँ पे इसकी बात करी है कि एक्चुअली ये कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है ना। सो यहाँ पे लिबरल वाला तो गलत है, सो 1 एंड 2 आपका आंसर है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन 1980s ये कह रहा है यस, व्हाट डिस एग्रीमेंट अरोज रिगार्डिंग स्टोन पुट एज अ ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1980s में यही था क्लैश कि कुछ लोग इसको एज अ स्पोर्ट व्यू करना चाह रहे थे जो कि ट्रेडिशनलिस्ट को पसंद नहीं था। हाउ डज द पैसेज प्रपोज रिकंसिडरिंग द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कंजर्वेटिव ट्रेडिशन एंड स्पोर्ट पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोन पुट। तो यहाँ पर है पढ़ लेते हैं, बाय एक्सेंचुएटिंग द नेसेसिटी फॉर स्टोन पुट टू रिमेन अनऑल्टर्ड टू सेफ गार्ड इस ट्रेडिशन। ये वाला देखो, बाय अलाइनिंग स्टोन पुट विद द प्रिंसिपल्स। हाँ तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको स्पोर्ट और इसको साथ साथ लेके चलना है ट्रेडिशन और स्पोर्ट की तरह, तो आप उसको यू नो एज इन अ प्रोग्रेस और इन्हेंसमेंट के साथ उसको अलाइन कर सकते हैं। एकदम ही सही है। चूज द सेंटेंस दैट इज ट्रू एज पर द पैसेज। तो सबसे पहला कौन सा कह रहा है, स्टोन पुट इज अ स्पोर्टिंग ट्रेडिशन, यस ये तो सही है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कंजर्वेटिव ट्रेडिशन एंड स्पोर्ट इज सो डिस्टिंक्ट दैट डिविजन सरफेस। नहीं, 1980s में हुआ था। ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव्स कंटेंडेड दैट एथलीट्स अप्रोचिंग द एल्पाइन गेम्स एज अ स्पोर्ट वेंट अगेंस्ट द एसेंस ऑफ द फेस्टिवल रिजल्टेड इन। हाँ तो यहाँ पे लिखा है अनफेयर एडवांटेज, बिल्कुल। सो ए और सी आपका करेक्ट आंसर है, राइट। आगे बढ़िए, 77। 77 में क्या आएगा, 77 में आएगा पढ़िए, स्टोन पुट इज अ ट्रेडिशन हिस्टोरिकली दिस क्लेम हैज बीन पास डैश द लेंस ऑफ अ कंजर्वेटिव अंडरस्टैंडिंग। सो थ्रू द लेंस बोलते हैं हम, राइट।
आगे बढ़े, व्हाट सेट्स अपार्ट अ प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन एज पर द पैसेज, है ना। फर्स्ट वाला पढ़ो, एडवांसिंग फॉरवर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, इंटीग्रेटिंग इन्वेंटेड ट्रेडिशन विद आइडियलाइज्ड व्यू ऑफ द पास्ट, नो प्रायोरिटाइजिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉन्टेंट, नहीं। तो ए हमारा एकदम ही करेक्ट आंसर है। डिस्पेंस का सिनोनिम, डिस्पेंस क्या होता है कि किसी को मतलब कोई ऐसे बोलते हैं कि कोई डिस्पेंसिबल है, तो मतलब किसी को हम छोड़ सकते हैं, रिप्लेसमेंट उसका है, राइट। ये देखिए अलायंस मतलब कि जुड़ना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा डिस्कनेक्शन, राइट। तो ये सब हमने आंसर कर दिए हैं। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स, एंड कल भी हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, सो स्टे विद अस, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जितने ज्यादा हो सके। फ्री मॉक टेस्ट आपके आई एग्जाम भी पे अवेलेबल है।